प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज में हम लोग परमेश्वर के वचनों में उन बातों को देखेंगे जो आत्मिक जागृति से संबंध तो रखती है, लेकिन वो आत्मिक जागृति नहीं जो डे ऑफ पेंतिकुस के दिन शुरू हुई थी। जब हम परमेश्वर के सारे वचनों का अध्ययन करते हैं, पुरानी व्यवस्था से लेके नई व्यवस्था तक, तो हमें पता चलता है कि पुरानी व्यवस्था में भी स्पिरिचुअल रिवाइवल्स आते रहे हैं यहूदियों के समाज में। और जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो परमेश्वर यहोवा यहूदियों के बारे में इस बात को बार बार बताता आया है और उसे कन्फर्म भी करता रहा है कि अब्राहम और अब्राहम का जो वंश है वो परमेश्वर की एक चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि इसी प्रजा के द्वारा स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के अब्राहम के बीज में होकर के सारी मानव जाति के लिए उद्धार करता बन के आ गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वैसे तो जो हमारा विषय है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अंत के समय में आने वाले उस रिवाइवल के ऊपर है, जिसे हम लोग पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल के नाम से समझ रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में हम लोग पुरानी वाचा में कुछ ऐसी दो चार रिवाइवल्स के बारे में देखेंगे कि जब रिवाइवल आता है तो वो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था है, ओल्ड टेस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग आने वाली सच्चाइयों की झलक को पाते हैं। वो सारी घटनाएं जो पुरानी व्यवस्थाओं में हुई वे एक उदाहरण के रूप में ठहरती हैं आज की नई वाचा में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सील कर दी गई। इसी क्रम में हम लोग पुरानी व्यवस्था से दूसरे इतिहास में एक राजा के जीवन में, जिसके की द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों के बीच में एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति को भेजा और फिर उनको हर एक प्रकार के दुश्मनों से बचा लिया, जिस राजा का नाम यहोशापात है। और यदि हम लोग इसे समय के अंतराल में देखते हैं तो यहोशापात यहूदा देश के राजा हुए, और ये घटना जो है वो लगभग 830 साल बिफोर क्राइस्ट की है। यहोशापात की गिनती एक अच्छे परमेश्वर के भय में रहने वाले राजा के रूप में बाइबल में दिखाई गई है, और इन्होंने अपने पिता राजा आसा के पद चिन्हों में अपने जीवन को बिताया। वे भी परमेश्वर के भय में रहते थे, और जब हम यहोशापात के जीवन में उस आत्मिक जागरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी परमेश्वर के भय में रहते हुए अपने जीवनों को बिताता है उसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर ले लेता है। इस घटना में हम लोग ऐसी सेवकाई के बारे में देखेंगे जिसमें परमेश्वर के वचन की सेवकाई को लोग दूसरे स्थानों में ले जाते थे, जैसा कि आज के नई वाचा के समय में परमेश्वर के वचन को ले जाने वाले को सुसमाचार का प्रचारक कहा जाता है। और इस सुसमाचार के सुनाने और फैलाने के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग इस यहोशापात के सेवकाई के जीवन में देखेंगे। और इसको हम लोग दूसरे इतिहास के 17 पद में जाकर के पढ़ेंगे और देखेंगे, और ये जानेंगे कि पहले फेज में यहोशापात ने कुछ एक अपने दल को बनाया, एक ऐसी टीम को बनाया जो कि परमेश्वर के वचन को मंदिर से बाहर ले जाकर के दूसरों को बताने का काम करती थी। जब हम लोग इसे पढ़ रहे हैं तो इस बात को भी समझना है कि वचन के बताने का कितना प्रभाव पड़ता है, ना केवल बताने वाले के जीवन में परंतु उन सबों के जीवन में जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का पहले पद से लिखा हुआ है, आसा के राज के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, तो शत्रुओं ने उसे घेर लिया, और ये शत्रु कोई और नहीं उन्हीं के इजराइल देश का जो नॉर्थ में था, जो कि 10 गोत्रों में से था, उसका राजा बाशा ही उनका शत्रु बन गया।
और उसने यहूदा के राज्य की बाउंड्री चारों ओर से सील कर दी कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ पाए और अंदर का आदमी बाहर ना जा पाए। तो हम लोग दूसरा इतिहास 17 अध्याय के पहले पदों से जाके देखेंगे कि राजा आसा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जब यहोशापात राजा बन गया उस राज्य का जो यहूदा का राज्य कहलाता है, और इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रैम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकी बैठा दी, क्योंकि आसा के राज्य करते समय ही इज़राइल का राजा जो था उसने यहूदा को चारों ओर से घेर लिया था और यहां तक कि उसके बहुत से सामान भी उठा ले गया था, और ये सामान परमेश्वर के भवन उसके मंदिर के समान थे। लेकिन जब यहोशापात राजा बनता है तो वो अपने राज्य को कैसे दृढ़ कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। तीसरे पद में बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है, यहोवा यहोशापात के संग रहा। जब परमेश्वर आपके संग है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है, और परमेश्वर उसके संग रहता है जो परमेश्वर के भय में रहता है। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। यहोशापात सच्चे परमेश्वर की खोज में रहा। चौथे पद में लिखा है, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। और आज भी जो परमेश्वर के भय में रहेगा वही परमेश्वर की बुद्धि को पाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मान सके। और वो परमेश्वर जो यहोशापात के संग संग था उसके बारे में लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। ये दशा तब आती है जब एक मनुष्य परमेश्वर की खोज में रहता है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड His righteousness and all things shall be added unto you. यहोशापात का मन परमेश्वर की ओर लगा रहता था। वचन में लिखा है, यहोवा के मार्गों पे चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और शेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। आज बहुत से प्रकार की ऐसी लालच की, बुराइयों की, व्यभिचार की मूर्तियां मनुष्यों के मनों में समाई है। जब हम अपने मन को प्रभु के वचनों के द्वारा शुद्ध करते हैं तो परमेश्वर आज अपनी सामर्थ को हर एक के जीवनों में प्रकट करना चाहता है। रिवाइवल की चर्चा हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में कर रहे हैं, जो कि राजा यहोशापात के जीवन से शुरू हुआ और उसके सारे यहूदा के राज्य में फैल गया। यहां एक बात को समझना है कि परमेश्वर इस आत्मिक बेदारी में काम करने का स्रोत होता है, और वो आत्मिक रिवाइवल को किसी व्यक्ति के जीवन में जो उसका खोजी है उसके जीवन से शुरू करता है। इतिहास इसका गवाह है। इसे हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे कि उसने किस प्रकार से एक ऐसे दल को बनाया, एक टीम को बनाया जो कि परमेश्वर के वचन को, जो सुसमाचार है, उसको दूसरों तक ले जाते थे। वचन की प्राथमिकता आज मंडलियों में हर एक विश्वासियों के जीवन में होनी चाहिए। इसी दूसरे इतिहास के 17 अध्याय के 7 पद में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जहां लिखा हुआ है, उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, उबदाया, जकरिया, नेतनेल और मिकाया नाम अपने हाकिमों और यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। आज किसी भी मंडली की जो आत्मिक बेदारी है, जो आत्मिक ग्रोथ है, वो वचन की शिक्षा पर आधारित होती है। जिस मंडली में ज्यादा से ज्यादा विश्वासी परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए मंडली में मिलते हैं, सीखते हैं सिखाने वालों के द्वारा, उस मंडली में एक अद्भुत बेदारी हर समय बनी रहती है। और जैसा कि हम लोग ने देखा, यहोशापात ने ऐसे वचन के शिक्षकों को अपॉइंट कर दिया। लगभग 16 बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को जानने वाले लोगों को नियुक्त किया। 8वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उनके साथ शमाया,
नतनाया जब्दाह असाहेल शमी रामोत यहोनातान अदोनिया तुबिया और तुबदुनिया नामक लेवी और उसके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। आज जबकि अंत के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हर एक मंडली में परमेश्वर के वचनों को अपने जीवनों में लोग विश्वासी महत्व दें। आज मंडली के अगुओं को इस बात को समझना है कि जब हम अपने जीवन में, अपनी मंडली में, अपने मंडली के विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा बड़े छुटकारे को लेकर आता है जो आने वाला है। इस अंधकार के बाद जो समय आएगा वो एक आत्मिक बेदारी का समय होगा। और जब हम यहाँ पे यहोशापात के जीवन में देखते हैं कि वो उसने अपने राज्य में कुछ टीचर्स को अपॉइंट कर दिया कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को वो दूसरों को सिखा सके, तो इसका प्रभाव उस राज्य में तीन प्रकार से पड़ा और ये प्रभाव उन तमाम शत्रु देशों के ऊपर पड़ा जो यहूदा को अपना शत्रु समझते थे। उनके जीवनों में एक प्रकार का भय आ गया और फिर वे देश जो यहूदा से सामानों को लेके लूट लेते थे वो यहूदा के देश में गिफ्ट लाने लगे। ये इसलिए हुआ कि उनके जीवन में भय आ गया और ऐसी दशा में यहूदा का राज्य जो है बहुत ही प्रबल हो गया। उसका जो मिलिट्री शासन था बहुत ही स्ट्रांग हो गया, वहां के राज्य के लोगों की सुरक्षा हो गई। इसे हम लोग 17 अध्याय के 10 पद में देखते हैं जहां लिखा हुआ है, यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। यहोशापात ने क्या किया? उसने परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार करवाया और पहला प्रभाव जो आसपास के देश थे उनके जीवन पे पड़ा कि उनके जीवन में यहूदा के राजा और उस राष्ट्र के प्रति एक फियर आ गया, एक डर आ गया। और जब डर आ गया तो हम लोग 11 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेड़े और 7,700 बकरे ले आए। और इसी के बाद जब हम 12 और 13 पदों को पढ़ते हैं जहां लिखा है, यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। ये प्रभाव पड़ता है जब मंडली के जीवन में परमेश्वर का वचन आता है। इसी के साथ हम लोग दूसरे फेज को भी देखेंगे, एक दूसरे प्रकार का प्रभाव जो आत्मिक जागरण या स्पिरिचुअल रिवाइवल के साथ ही साथ आता है। इसे हम लोग दूसरे इतिहास के 19 अध्याय के 4 पद से पढ़ेंगे जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेशरबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। यहोशापात के जीवन में परमेश्वर का भय ऐसा रहता था कि वो चाहता था कि उसके सारे प्रजा के लोग जो हैं वो भी परमेश्वर के भय में रहें। और इस प्रकार का बोझ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज मंडली के हर एक अगुओं के जीवन में देना चाहता है। आज बहुत से मसीही मंडलियों के जो अगुए हैं वो संसार की बातों में उलझ गए और संसार की सांसारिकता को उन्होंने मंडली में पहला स्थान दे दिया है और इसलिए उनके जीवन हर तरीके से परेशान है। मंडलियां कहरा रही हैं। परमेश्वर का आत्मा हर एक अगुओं से आज बातचीत करना चाहता है कि उनके भी जीवन में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा को पहला स्थान मिलने पाए, जैसा कि यहोशापात ने अपने जीवन में किया कि उसने हर जगह जाकर के लोगों को परमेश्वर की ओर फेरा। और फिर 5वें पद में लिखा हुआ है, फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराए। वो देश जो परमेश्वर के भय में रहता है उस देश में परमेश्वर का न्याय भी रहता है और राजा की गद्दी न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर होती है। ये न्याय तभी आता है जब परमेश्वर के भय में
एक राजा अपने जीवन को बिताता है। यहोशापात ने अपने देश में जजेस अपॉइंट किए, 6th verse में लिखा हुआ है, और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। आज ये मैसेज हमारे देश के हर एक अगुओं के पास पहुंचना चाहिए। आज हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो परमेश्वर के भय के अनुसार होनी चाहिए, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जजेस से राजा ने इस बात को बताया कि जब तुम किसी मनुष्य का न्याय करते हो तो ये मत सोचना कि किसी खास मनुष्य का न्याय कर रहे हो, लेकिन ये परमेश्वर के लिए किया गया काम है। इस न्याय को किसी भी प्रेशर से या इस न्याय को किसी रुपए धन दौलत से बिगाड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसका हिसाब वो रखता है। और ये सारे परिवर्तन इसलिए हो सके क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर के भय में रह करके मानता आया। उसने अपने जीवन और अपने राज्य में अपने अधिकारियों प्रधानों के जीवन में परमेश्वर के व्यवस्था को पहला स्थान दिया, और जब उसने न्यायियों को, जजेस को अपॉइंट किया तो उनको भी एक व्यवस्था दी। 7th पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवनों से होके काम करती है। वचन कहता है, श्रापित है वो जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है, लेकिन आशीषित है वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। जब हमारा और आपका आधार परमेश्वर होगा तो परमेश्वर का रेवरेंशियल फियर हमारे जीवन को लीड करेगा। और इस बात को जो यहोशापात ने अपने पुरखाओं से सीखा था, अपने राज्य में अपने जजेस को ये आज्ञा देता है, वो कहता है कि अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। आज जब हम अपने आसपास अपने जीवन के परिस्थितियों में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आज मनुष्य की मानसिकता किस स्तर तक गिर चुकी है, और वो इसलिए कि परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में से हट गया है। इसके आगे 8th पद में कहता है, यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों, इज़राइल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। यरूशलेम जो परमेश्वर का कैपिटल है, इसी यरूशलेम से स्वयं प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में आड़ और मांस में अपने सारे संतों के साथ राज्य करेंगे मिलेनियम किंगडम में, और यह दिन बहुत ही निकट आने वाला है। और यहोशापात ने इसी यरूशलेम में ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर रखा था जो कि जजेस को भी चेक करते थे कि वो परमेश्वर के भय में रह के काम कर रहे हैं या न्याय व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और इस आज्ञा को हम लोग 9th पद में देखते हैं, उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। एक एक बातों को यहोशापात ने परमेश्वर की व्यवस्था से सीखा और उसने अपने लोगों को भी सिखाया। और 10th पद में कहता है, तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिनका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है, और यदि अगवे उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखें इस बात का, एक समय आएगा जबकि उन्हें अपने सारे उन कामों का हिसाब देना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, वो ये है कि हर एक मनुष्य जो कहीं किसी भी स्थान से आता है, उसे परमेश्वर पे विश्वास करना होगा, उसे जानना होगा कि परमेश्वर है जिसने उसे क्रिएट किया है, और उसने अपने आप को इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर के पापों से मुक्ति दिला दी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का भय उसके वचनों, उसकी आज्ञाओं को जानने से ही आता है। ये वो भय नहीं है कि परमेश्वर जो है वो एक इंस्पेक्टर की तरह डंडा लेके आपके पीछे पड़ा,
उसने अपनी व्यवस्था हमारी आत्माओं में लिख दिया है, हमें एक कॉन्शियस दिया है। उस विवेक को हमें जीवित करना है जब हम एक नई आत्मा को पाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। तो एक मनुष्य अपने विवेक पे भरोसा कर सकता है। कॉन्शियस जो विवेक है वो उसकी आत्मा की एक आवाज है जो उसे इस बात का बोध कराता रहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी आत्मा के साथ रहता है। ये दशा उद्धार पाने के बाद होती है। इसलिए यदि अभी तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पा लें। आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा और आप परमेश्वर के भय में रह सकेंगे और परमेश्वर के भय को आप दूसरों को भी बताएंगे। और फिर इसी दसवें पद में आगे कहता है, ऐसा ना हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के, ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। और ऐसी व्यवस्था में यहोशापात के जीवन में जब आत्मिक एक बेदारी आई, उस समय जब वो परमेश्वर के भय में रहना शुरू किया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन अपने राज में पहला स्थान दिया, तो हमने देखा कि किस प्रकार से उसका देश जो है वो प्रॉस्परस रहा। आसपास के सारे देशों में उस देश के प्रति, उस राजा के प्रति एक भय सा छा गया और वो शत्रु जो उनके राज्य से छीन करके सामान को ले जाते थे वो उसके देश में ला करके गिफ्ट देने लगे। और इस प्रकार से यहोशापात का राज बहुत ही समृद्ध हो गया, बहुत ही सुरक्षित हो गया। ये सब परमेश्वर के भय में रहने का एक प्रमाण है। इतिहास के पन्नों में ये सारी घटनाएं लिखी हैं, दर्ज हैं। इसे हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को पहला स्थान देने के द्वारा वैसे ही आशीषित और सुरक्षित हो सकता है जैसा कि इस यहोशापात के जीवन में हुआ। इस आत्मिक रिवाइवल के प्रभाव को हम लोग यहोशापात के जीवनों में देख चुके हैं। इसी के बाद जब हम 20वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि जब शत्रुओं ने एक बार एका करके यहोशापात पे चढ़ाई कर दी तो यहोशापात ने क्या किया। यहोशापात के जीवन में एक भय, एक डर तो आ गया, नेचुरल था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में 20 अध्याय के तीसरे पद में लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए और वो स्थान जहां पे परमेश्वर मिला करता था वो यरूशलेम था। आज नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह हर एक ऐसे विश्वासियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी आत्माओं में आता है। वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ऐसे यहोशापात की तरह व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, तो जैसा यहोशापात ने प्रार्थना किया 12 पद में हम लोग देखते हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और ऐसी दशा में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है जैसा कि यहोशापात के जीवन में उसने उत्तर दिया। परमेश्वर ने एक सेवक के द्वारा भविष्यवाणी कराई और भविष्यवाणी करा करके उसे 15 पद में कहता है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये प्रभाव हर एक उन समयों में हुआ है जब जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा है, जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है, तो परमेश्वर उनके विश्वास का आदर करता है। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, वो इस युद्ध को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर जीत चुका है। यहोशापात से तो कहा, देख युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन आत्मिक सेनाओं से है जो मनुष्यों को नाश करना चाहती है। आज आपके जीवन में कैसा भी अंधकार हो, लेकिन परमेश्वर का वचन इसी बात की गवाही देता है, वो
कहता है कि इस अंत के समय में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये भी स्वप्न देखेंगे, यहां तक कि मैं तुम्हारे दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। जिस आत्मा को उंडेलने का काम डे ऑफ पेंतिकुस के दिन से शुरू हो गया, जो कि हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के चौथे पद में पढ़ के देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा से 120 लोग भर गए तो वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और पत्रस आत्मा से भर करके परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा, और हर एक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना उन्होंने छुटकारा पाया। आज फिर से परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। 830 साल बिफोर क्राइस्ट यहोशापात के जीवन से इस उदाहरण को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस भय की परिस्थिति में यहोशापात और उसके साथ सारे यहूदियों को जय दिया। ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हम परमेश्वर के हाथ को पुराने समय में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, जो कि नई वाचा में आकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई व्यवस्था में हमें मिल गया है। इस युद्ध को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जीत लिया है। उसने शैतान को, बीमारी और रोग को, और इन तमाम युक्तियों को जो शैतान की मनुष्य जाति के ऊपर चलाई जाती थी, उसे हरा दिया है। जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको उस सच्चाई को जानना है, मानना है और उस पर खड़े रहना है। तो यदि आज आप परमेश्वर के भय में रहते हुए भी हारे हुए हैं तो परमेश्वर की उस आत्मा की भरपूरी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम में है वो उससे, जो संसार में है उससे कहीं बड़ा है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में और आप में रहता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के किए गए कार्यों पर विश्वास किया है, उसको प्रतीत किया है, अपने आत्मा में उसके वचन को ले गए हैं, और उस विश्वास के अंगीकार को यदि आपने किया है कि यीशु आपका प्रभु है, मुक्तिदाता है, तो वो परमेश्वर आपकी आत्मा में आकर रहता है। और यदि आज आपकी दशा ऐसी नहीं है तो समझ ले कहीं ना कहीं आप अंधकार में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और इसी प्रेम को उसने क्रूस के द्वारा प्रकट कर दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए जो आज किसी भी प्रकार से उस अंधकार के वश में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा वो छुटकारा पाएं और अपने अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा को पहला स्थान दें। और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि युद्ध मैंने जीत लिया है, तुम्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।